प्यारी बबली की हमने रीडिंग की थी पेज नंबर 4 तक। आज हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। बबली थी तो बहुत छोटी, लेकिन थी बहुत अच्छी। वो सबसे दोस्ती करना चाहती थी। ये कौन थी, इसका क्या नाम है? ये एक बबली है और ये गार्डन में रहती है। ये सारे फ्रेंड से दोस्ती करना चाहती है। वो मेंढकी के पास जाके दोस्ती करने लगी तो वो बोली, मेंढकी से बोली, तुम बहुत छोटी हो और बदसूरत भी, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और मेंढकी का कलर क्या है? हरा रंग। और फिर इसने चिड़िया से पूछा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? चिड़िया, यह खुश होकर चिड़िया के पास गई। चिड़िया बोली, नहीं, तुम बहुत छोटी हो और तुम्हें उड़ना भी नहीं आता। ये सुनते बबली उदास हो गई और अपने गिर्द एक चादर बना के इसमें सो गई। ये देखे, ये चादर वाइट कलर की बना के रोते रोते इसमें सो गई। और ये दरख्त के साथ इसने चादर लटकाई। फिर जब इसकी आँख सुबह खुली तो इसने देखा कि इसके तो रंग बिरंगे पर निकल आए हैं। रंग बिरंगे लाइन लगाएंगे इस पर, आँख पे लाइन लगाएंगे, अंडरलाइन करें इसको, पर निकल आए हैं। ये देखें, ये है बबली। ये क्या बन गई? तितली। ये क्या बन गई? तितली। अब तो वो उड़ सकती है।